तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं गया था पूजा का सामान लेने के लिए, और ये मेरे गिफ्ट हैं जो मुझे मिले हैं। तो आपको पता ही है मेरा बर्थडे है कल, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है करते हुए भी मैंने सोचा कि नहीं, कथा बहुत ज़रूरी है तो कथा सुन ले, तो मैं वही कुंडा गया। तो आज है वेंसडे, कल है थर्सडे, तो वेंसडे को नॉनवेज खा ले रहे हैं। बिरयानी आने के खाने का बहुत मन था तो वही बन रही थी। अब बिरयानी बन जाए उसके बाद खाते हैं। रिश्ता मेरी फोटो वगैरह एडिट कर दियो। क्यों, क्या है कर? मेरा बर्थडे रिश्ता। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आपको मिल रहे हैं कि कुंडा चले गए थे शॉपिंग के लिए। मैं कल तक तो डिसाइड ही, मैंने आज तक मैं सुबह तक तो डिसाइड ही नहीं कर पाया था कि मुझे करना क्या है, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है कैसे नहीं। मैं थोड़ा भी मन नहीं था, कुछ इशूज़ हो गए थे जिसके कारण मैं मन नहीं कर रहा था थोड़ा भी कुछ करने का। तो फाइनली चंदन भैया ने और सारे लोगों ने, घर वालों ने, कहने लगा कि सबका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते तो मेरा क्यों ना सेलिब्रेट हो। इसीलिए मैं कुंडा चला गया था, वहाँ से शॉपिंग करके आया, पूजा के लिए कुछ सामान लिया, और चंदन भैया ने एक गिफ्ट खरीदा, पापा ने गिफ्ट खरीदा, और अब आयुषी लोग मेरे लिए पता नहीं क्या ली हुई है अभी तक। तो हमें कल फैमिली तो मुझे मिली ही गई है, पता नहीं कहाँ से। तो ये मेरे लिए लगता है सोने का कुछ ली हुई है, इसीलिए बता नहीं रही। और कुलाज उलाज भी साथ बनाई है मेरे लिए, तो देखते हैं 12 बजे स्टे कनेक्टेड विद अस क्या होता है। और अम्मा से भी मैंने मांगा है, अम्मा से मैंने जायदाद मांगा। अम्मा, हम तुमसे जो मांगे दोगी ना, जायदाद दोगी ना, बोलो अम्मा। हाँ, तो मेरी अम्मा मुझे अपनी जायदाद सारी मेरे नाम लिख रही है। क्या तुम्हें तो हाँ कही ना, बूढ़ा जो बोल रही हो तेज से बोलो, बोलो एक बगिया मेरे नाम लिख दो। अच्छा, तुमको साथ बगिया। सो गाइस, मेरे पापा ने आज बनाया बिरयानी, क्योंकि कल ब्रश पे थे, हम लोग बिरयानी खा नहीं पाएंगे, इसलिए आज ही नॉनवेज वाली बिरयानी बनी है। अनी कल अल्लाह का बहुत मन था खाने का, तो अनी भी मेरे बर्थडे के कार रुका है तो वो भी चला जाएगा, इसलिए बिरयानी बनी है। तो हम आपको दिखाते हैं, मेरे पापा बहुत टेस्टी बिरयानी बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ये मत कहना कि हम लोग मलिच हैं और नॉनवेज खाने के बाद हम लोग सुबह पूजा कर लेते हैं ये वो करके, क्योंकि हम लोग रात में बाल धुले क्योंकि कल बृहस्पतिवार, नहाए अभी आयुषी नहाई, अब हम नहाए, दोनों नहा के बस अभी आ रहे हैं, और रात के 11 बज रहे हैं। आप लोग सोच लो 11 बजे हम और आयुषी नहाए हैं, क्योंकि सुबह गंगा जी जाना है हमको, इसीलिए टेम्पू कर लिया, नहा लिया, और अब 12 बजे का वेट। पता नहीं आयुषी लोग क्या क्या कर रही हैं, वो भी तो देखना है ना गाइस। और ये मेरी अम्मा सो गई गाइस, कल सुबह ये अपनी जायदाद मेरे नाम लिखेंगी मेरे बर्थडे पे गाइस ना। अम्मा बोलो, हाँ बोलो अम्मा, हाँ। तो गाइस, हमको मेरी अम्मा जायदाद लिख रही हैं। तो सुबह हो गया है फ्रेंड्स, और हम जा रहे थे सबसे पहले औदेश्वरनाथ बाबा के दर्शन करने, गंगा जी नहाने। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सोच लिया था कि हम जाएंगे, तो वही अभी हम जा रहे थे चंदन भैया को लेने, फिर वहाँ से हम अनी और चंदन भैया जाएंगे गंगा जी, वहाँ गंगा नहाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि हमें करना क्या है। तो ये शेखपुर जा रहे हैं हम, आप किसी तरह से शेखपुर का लुक देख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये चेंज होने वाला है पूरी तरीके से। ये इमली का पेड़ वेड़ सब कट गया अब तो, इतना बहावदार पानी रहता है फिर भी पता नहीं क्यों गंदा रहता है। ऐसे नहीं कहते जय गंगा मैया, ओम नमः शिवाय। नहीं, डूबना आता है उसे, डूबने का शौक था उसे, डूबने का शौक था। तो मैं तो गंगा जी नहा लिया, और अनी ने मुझसे लोअर रखने के लिए कहा था, मेरे साथ हो गया चूतिया, मैं अनी की लोअर हिलाना भूल गया। वहां से लौटने के बाद फिर मैंने अपनी कुल देवी काली मैया के दर्शन किया। नहीं, इतना डिग्री का डिग्री है उसके पास, लेकिन चेहरा बहुत नाजुक है। देखने तो भैया के लिए भी तो लड़के आई है, देखी नहीं फोटो अभी। वीडियो बन रही है, देखो
पॉलिश की तरह क्यों कर रही हो? अगल बगल कर दो तो लगे नेल पॉलिश नहीं है चाची, नेल पॉलिश की तरह लगा दी है। सत्यनारायण भगवान का गुणान वर्णन वर्णन कथा होती है। तत्र वहां पर गंगा जी, तत्र गंगा जमुना जी, जमुना जी त्रिवेणी माने प्रयागराज जी, सरस्वती गोदावरी सिंधु जो समुद्र है, सरस्वती जी इतने नहीं सर्वांग तीर्थ हैं, सभी तीर्थ और सभी तीर्थ खैर बन गया। गुरुवा प्रभु मान स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम भावे नमः स्वाहा। ओम दक्षाय नमः स्वाहा। अष्टाविंशतिभ्यो नमः स्वाहा। अष्टाविंशतिभ्यो नमः स्वाहा। ओम सामवेदाचतुर्वेदाय नमः स्वाहा। सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा। सामवेदाचतुर्वेदाय नमः स्वाहा। ओम प्रजागातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। तो फाइनली पूजा ख़त्म हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, पैर में रंग लगा था इसलिए मैं बिस्तर पे नहीं लेट रहा था क्योंकि रंग लग जा रहा था। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसके बाद बहुत तेज़ धूप भी थी और मुझे जाना था कुंडा भी, तो अब मैं वेट कर रहा था कि 1 घंटे और बीत जाए, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो फिर मैं निकलता हूँ। धूप तो यहाँ पे 6-7 बजे तक रहती है, 5-6 बजे तक, फिर भी मैं सोच रहा था कि 1 घंटे बाद ही निकलूँगा। तो बाय गाइस। तो मैं तैयार हो गया था और मैं जा रहा था चंदन भैया और रानी के साथ कुंडा। तो इतने बिजी थे हम लोग कि वीडियो बनाना तो भूल ही गया, तो हम ये कुछ फोटोज़ वहाँ क्लिक किए थे जो डाल दे रहे हैं। फिर हमने ये कप केक काटा था क्योंकि इतना बड़ा केक हम उस टाइम तुरंत खा ना पाते, वेस्ट होता। उसके बाद फिर हमने हक्का नूडल्स शेजवान नूडल्स ऑर्डर किया था। फिर हमने कुछ एक नई स्पेशल डिश खाई थी और अच्छा खासा चूना लग गया था। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट मोजेटो तो मैं भूल ही नहीं सकता, इसलिए मोजेटो पिया था। और फिर मैं और आरुष को भी कॉल करके बुलाया था तो वो भी आया था। फिर हम सब ने वहाँ पे खाया पिया मस्ती किया फिर घर वापस आए। तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आपसे ऐसा बात बात पे बात हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। पूजा पूजा अच्छे से हो गया, हम गुंडा भी खेते, वहाँ अपना काम भी ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद अब बारी है केक कटिंग की, तो शायद आयु से लोग कुछ सजावा जा रही है और हमसे ही बात छुपाया जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो मैंने ये कपड़ा, मुझे 1 मिनट दिखाते हैं, मुझे चंदन भैया ने गिफ्ट की है तो थैंक यू सो मच। और एक और मैंने लिया है उसको बर्थडे पे पहनने के लिए, मेरा सेकंड लुक है। थर्ड लुक में मैं सोच रहा हूँ पैन नहीं चेंज करूँगा, मुझे जॉगर्स बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है यही पहना रहूँगा। और एक टी शर्ट जो मुझे और गिफ्ट मिली है किसी, ये तो इसको पहनने के लिए सोच रहा हूँ, तो पहनता हूँ देखता हूँ कैसा लगता हूँ कैसा नहीं। फिर स्टे कनेक्टेड विद अस, मिलते हैं आपको केक कटिंग के टाइम पे। स्टे कनेक्टेड विद अस। ऐसे मुहे पे छुआ उसी हो तो रोक छोड़ दिए।
अंडा पड़ा हुआ है ना? नहीं अंडा पड़ने के बाद नहीं है, हम केक नहीं खाते हैं। अंडा नहीं मुर्गा पड़ा। वो तो मुर्गा मीट के प्रेमी होता है। अरे वीडियो बन रहा है, एक मिनट रुकिए। सही बता रहे थे, अच्छा मैं तागा टूट गया होगा। क्या पापा कैसे पाते थे? एक बार बता कैसे पाते थे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ब्लॉग में कट डाले ना। हे आसी अपना 20 रुपए ले लो। नहीं ब्लॉग में मत डालना। 20 रुपए फाइनली मैंने फिर से एक कपड़ा चेंज कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था फ्रेंड, और अब ये सोने का टाइम था तो मैं नॉर्मल कपड़ों में आ गया और अब मैं जा रहा था सोने के। फ्रेंड्स मेरा बर्थडे हो चुका है, ऐसा हम नहीं कहेंगे क्योंकि अनी हमको चिढ़ा लेंगे। और फ्रेंड्स हमारा लल्ला बहुत कंफ्यूज। लल्ला आँख तुम्हारी, हाँ अब देखिए। हाँ सो फ्रेंड्स हमारा लल्ला बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि इसका पेपर 1/27 को है, जाना है कि नहीं जाना इस बात में। तो आपने क्या फैसला लिया, सोचे हो गए अभी रात भर? बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। याद नहीं क्या क्या